हे एवरीवन, तो रिसेंटली ना मैंने कुछ ब्रश खरीदे थे गैस क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, गैस को मैं अच्छे से स्प्रे मार रही हूँ। स्प्रे में मैंने जो डिश वॉश लिक्विड आता है उसमें विनेगर डाल के पानी मिक्स किया है। तो ये हैं वो ब्रश जिसमें तीन ब्रश हैं, तीन ब्रश का सेट है। ये वायर ब्रश हैं और तीनों ही ना एक हार्ड है, एक सेमी हार्ड है और एक थोड़ा सा उससे कम हार्ड है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा स्मूथ बट हार्ड ही है वो, अकॉर्डिंग टू वैसे जो टूथपेस्ट वाले टूथब्रश आते हैं ना उससे तो हार्ड ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना जो चीज़ें हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हैं उनको हम हार्ड वाली ब्रश से करेंगे क्लीन। और यहाँ पे ना मेरे जो गैस का ये जो बर्नर आप देख रहे हो ना, इसके साइड में ना एक लाइन सी है, रबर गैसकेट टाइप है, और उसमें ना फंस जाती हैं चीज़ें। कोई भी जैसे दूध निकल गया हो या चाय निकल गई हो तो उन सब के ना अंदर ये घुस जाता है तो वो निकलता नहीं है। तो उसी के लिए मैं बेसिकली ये लेकर आई हूँ ब्रश, ताकि अच्छे से उसको क्लीन कर सकूँ। काफ़ी अच्छी निकली, काफ़ी सही लगी मुझे। तो थोड़ी सी बस स्प्रे मार के और इसको रगड़ दो तो काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। देखो जो रबर गैसकेट में बता रही थी ना, वो साइड में जो आप देख रहे हो वो है, और थोड़ा थोड़ा मैं जो ये लोहे वाला स्क्रब आता है ना उससे भी रगड़ते जा रही हूँ, ताकि जहाँ पर भी कोई कोना छूट जाए तो उससे हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ है और आप देख सकते हो अंदर से पूरा अंदर से गंदगी जो है वो निकल रही है, और मुझे तो काफ़ी सही लगी। और ये कोई ब्रांड का वो नहीं है, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन इसको मंगाया है। मैंने जस्ट आई थिंक, मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है मैंने ये कहाँ से लिया था, डीमार्ट से लिया था या नेशनल हैंडलूम से लिया था, मुझे बिल्कुल जगह का पता नहीं है। बट मैं ये लेकर आई, और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगी, और काफ़ी सही है, क्लीनिंग में काफ़ी हेल्पफुल रही। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है और मुझे तो काफ़ी सही लगता है ये सॉल्यूशन भी, साथ में ये ब्रश भी, और सारी ही क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जब भी कहीं पे भी ऐसे होता है ना, कोई भी कोना अगर हो, या जैसे नल ही हो गया, नल को भी मैंने इससे क्लीन किया। जो भी स्पेस ऐसा हो जहाँ पे हमारी बाकी चीज़ें नहीं पहुँचती, वहाँ पे ऐसी ब्रश पहुँच जाती हैं। और आप देख सकते हो कितना अच्छे से क्लीन हो गया। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।